हाय एवरीवन, मिस्टर फर्स्ट में आज हम दूसरा प्रैक्टिकल करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर। देखिए, इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर का यूज करेंगे। आपको टेबल के ऊपर इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा, हम इसमें थ्रेड का यूज करेंगे। ये हम 200 सेंटीमीटर ये हमारी थ्रेड है। तीसरा, हम इसमें फ्रिक्शनलेस पुली का यूज करेंगे। और चौथा, हम इसमें पैन का यूज करेंगे जिसमें हमें वेट को रखना है। और पांचवा, हम इसमें स्केल का यूज करेंगे। ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो ऑपरेटर्स कौन कौन सा यूज कर रहे हैं आपको ये पता चला होगा। आगे इस प्रैक्टिकल में प्रोसीजर क्या है, कैसे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं, अभी हमने इस ऑपरेटर्स को ऑन कर दिया है और आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि इस यहाँ पे ये लूप्स बन रहे हैं। यहाँ थ्रेड के ऊपर ये लूप्स बन रहे हैं। एक लूप यहाँ पे, ये दूसरा लूप यहाँ पे, ये तीसरा लूप यहाँ पे, ये चौथा लूप। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लूप क्यों बन रहे हैं और इस ऑपरेटर्स में हो क्या रहा है कि जिसकी वजह से ये लूप्स बन रहे हैं, और कैसे इस ऑपरेटर्स की मदद से हम जो हमारे घरों में करंट चलती है, एसी करंट चलती है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल में हो क्या रहा है और कैसे ये लूप्स बन रहे हैं, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा सोलेनाइड है। सोलेनाइड क्या होता है? सर्कुलर कॉइल होती है। तो जब आप जानते हैं कि जब करंट किसी वायर से फ्लो करती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर करंट ऐसे चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे करंट सर्कुलर फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरह की फॉर्म में बनेगा, यहां से ऐसे, यहां से नीचे, मीन लॉन्गिट्यूडनल। और इसमें करंट कौन सी बन रही है, फ्लो कर रही है? एसी करंट फ्लो कर रही है। अब एसी करंट में करंट अल्टरनेट इंटरवल में चेंज हो रही है। इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टरनेट इंटरवल में चेंज हो रहा है, मीन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द करंट। यहां पे जो नॉर्थ पोल बन रहा होगा, यहां पे साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड का। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ द एसी करंट, इस साइड साउथ पोल, इस साइड नॉर्थ पोल। और हमने इसमें ये रॉड लगाई हुई है। अब ये रॉड जब इस सोलेनाइड के बीच में रखी होगी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और ये रॉड भी मैग्नेटाइज हो जाएगी, ठीक है। और जिस तरह से एसी करंट अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिवली चेंज होगा। कितनी फ्रीक्वेंसी से? जिस फ्रीक्वेंसी से एसी करंट चेंज हो रही है, और उसी फ्रीक्वेंसी से इस रॉड में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट होगा। अब देखिए, फिर इसमें हमने एक परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट लगा के रखा हुआ है। आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ये परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट है। हमने यहाँ पे इसके साथ एक सिक्का लगाया, देखिए ये अटैच हो गया। तो ये हमारा परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट है। अब होगा क्या, एक तो परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, परमानेंट मैग्नेट, और एक मैग्नेट फील्ड डेवलप हो रही है इस रॉड में। और ये रॉड एक बारी अट्रैक्ट होगी टूवर्ड द मैग्नेट, दूसरी बार रिपेल होगी, क्योंकि एसी करंट चेंज हो रही है, उसकी वजह से इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज होगा, ये मैग्नेटाइज होगा, और उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज होता रहेगा अल्टरनेटिवली। किस फ्रीक्वेंसी से? जिस फ्रीक्वेंसी से हमारी एसी करंट आ रही है। और एक बार ये अट्रैक्ट होगा, दूसरी बार रिपेल होगा, इसी वजह से ये वाइब्रेट कर रहा था ये रॉड। तो पता चला रॉड कैसे वाइब्रेट कर रही है, क्यों वाइब्रेट कर रही है? क्योंकि हमारी करंट कौन सी है? एसी। सोलेनाइड के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो एसी है, और वो एसी करंट अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। एक बार नॉर्थ पोल आएगा इस साइड, दूसरी बार साउथ पोल, उसी की वजह से इस रॉड में भी मैग्नेटाइजेशन चेंज हो रहा है। एक बार नॉर्थ पोल आएगा रॉड में, दूसरी बार साउथ पोल, दूसरे हाफ साइकिल में। और जो परमानेंट हमने मैग्नेट लगा के रखा है, वो उसे कभी अट्रैक्ट करेगा, कभी रिपेल, और उसी की वजह से ये रॉड हमारी वाइब्रेट कर रही है। फिर जब हमने थ्रेड लगा के रखी है इसके साथ, तो आप लोग जानते हैं, अगर हमने एक रस्सी हाथ में पकड़ी होगी और उसका दूसरा एंड फिक्स होगा, तो अगर हम उसे ऐसे रोटेट करेंगे उसमें वेव जनरेट होंगी। तो इसी तरह से इसमें भी वेव जनरेट होंगी। और कौन सी वेव जनरेट हो रही है इसमें? स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है। क्योंकि स्टैंडिंग वेव कब जनरेट होती है आपको पता होना चाहिए, कि जब थ्रेड का एक हिस्सा फिक्स हो और दूसरा हिस्सा भी फिक्स हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है। तो जब वेव इसमें बनेगी, वो स्ट्राइक करके वापस आएगी और फिर से वेव ऐसे बनेगी। तो इसमें कौन सी वेव बन रही है इस थ्रेड में? स्टैंडिंग वेव बन रही है। तो कैसे इसमें लूप्स बने, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे हम इसकी कैसे रीडिंग्स लेनी है वो समझने की कोशिश करते हैं। फिर रीडिंग्स आपको कैसे लेनी है,
देखिए जैसे आप लोग जानते हैं हमने 200 सेंटीमीटर ऑफ ये थ्रेड लिया हुआ है, यहां से लेके ये पैन तक टोटल स्ट्रेंथ कितनी है थ्रेड की 200 सेंटीमीटर। आप ये 200 सेंटीमीटर थ्रेड का सबसे पहले वेट करोगे, तो मैंने ये वेट पहले ही करके रखा हुआ है और इसका मास कितने बराबर है 0.346 ग्राम 200 सेंटीमीटर का। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसका मास पर यूनिट लेंथ निकालोगे, वो आप कैलकुलेशन करोगे, आगे वीडियो में मैं आपको मैं बताऊंगा वो कैसे कैलकुलेट करनी है। फिर आप क्या करोगे, इस पैन का भी वेट लेके रखोगे, इस पैन का कितना वेट है 19.33 ग्राम, आपको ये भी लेके रखना है। पहले आपको यहां तक समझ आया कि आपको किसका वेट लेना है, एक तो पैन का आपको वेट पता होना चाहिए और एक मास ऑफ द थ्रेड किसके बराबर है आपको ये पता होना चाहिए 200 सेंटीमीटर का। फिर आप इस ऑपरेटर्स को ऑन करोगे, जैसे मैंने अभी ये ऑन किया तो आपको वीडियो में ये दिखाई दे रहा होगा ये लूप्स बन रहे हैं, एक मिनट बताना लूप, आपको वीडियो में ये दिखाई दे रहा होगा ये लूप्स बन रहे हैं, तो कितने लूप्स बन रहे हैं 1, 2, 3, 4। तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा जो पहला वाला लूप है देखिए ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे भी है, इसका मतलब आप ये वाला लूप नहीं लोगे, और जो लास्ट वाला लूप है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा, इसका मतलब इसके आगे भी जो लूप जा रहा था लेकिन हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है, ये वाला लूप भी नहीं लोगे। अब सेंटर वाले दो लूप लोगे 1 और 2, और आप देख सकते हैं यहां पे ये लूप खत्म हो रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं नोड पॉइंट, वहां पे एम्पलीट्यूड कम होता है, आपको ये वाला नोड और ये वाला नोड की डिस्टेंस लेनी है। जैसे इस केस में अगर आपको पता चलेगा तो ये डिस्टेंस कितनी बन रही है यहां से लेके यहां तक लगभग 71 सेंटीमीटर, कितनी बन रही है 71 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको जो अच्छे लूप बन रहे हैं जिसकी आपको एग्जैक्ट पता चल सकता है कि ये लूप कहां पे खत्म हो रहे हैं, मेन खत्म मेन यहां पे एम्पलीट्यूड कम है और उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम नोड पॉइंट, आपको वो डिस्टेंस लेनी है, वो कितनी हो गई 71 सेंटीमीटर, और उसके बीच में कितने लूप्स बने, तो यहां पे कितने बन रहे हैं एग्जैक्ट लूप जो हमें अच्छी तरह से विजुलाइज है 2 लूप्स। तो पता चला कि आपको रीडिंग कैसे लेनी है, सबसे पहले नंबर ऑफ लूप्स जो आपको एग्जैक्ट दिखाई दे रहे हैं और कितने उनके बीच में डिस्टेंस है, पहली रीडिंग आपको ऐसे लेनी है। और इनिशियली आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कोई भी वेट नहीं डाला हुआ है, हमने सिंपली पैन यहाँ पे रखा हुआ, उसमें अभी कोई भी वेट नहीं डाला है, इसका मतलब वेट हमारा कितना है 19.33 ग्राम। तो आगे रीडिंग कैसे कैलकुलेट करनी है मैं आपको वो बताऊंगा, तो फर्स्ट रीडिंग कैसे ली आपको पता चला, आगे उसकी रीडिंग कैसे कैलकुलेट करनी है वो बताऊंगा। देखिए सेकेंड रीडिंग में मैंने क्या किया है, पैन के बीच में मैंने 10 ग्राम वेट डाल के रखा हुआ है, तो 10 ग्राम वेट मैंने पैन में डाला हुआ है और 19.33 ग्राम वेट पैन का खुद का है, तो टोटल वेट कितना हो गया 29.33 ग्राम। और फिर से हम नंबर ऑफ लूप्स चेक करेंगे, देखिए आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि ये लूप कंप्लीट फिर से नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा ये लूप कंप्लीट हो रहा है, ये वाला लूप भी कंप्लीट हो रहा है, थर्ड नंबर वाला लूप भी और लास्ट वाला लूप भी कंप्लीट लगभग नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ही कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो फिर से हम जो हमारे एग्जैक्ट लूप्स कंप्लीट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 2, तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए 2। फिर हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेंगे, अगेन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आई है लगभग नोड टू नोड नियर अबाउट 89 सेंटीमीटर, कितनी आई है 89 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू लूप हमें पता चल गया, यहां पे जो लूप आके खत्म हो रहे हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं नोड पॉइंट, और नोड पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 होता है और यहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसे हम क्या कहते हैं एंटी नोड पॉइंट। तो रीडिंग कैसे लेनी है यह पता चला, नंबर ऑफ लूप जो आपको एग्जैक्ट दिखाई दे रही है जिसकी रीडिंग आप अच्छे से कैलकुलेट कर सको और डिस्टेंस बिटवीन दैट लूप्स। तो इसी के साथ 2 रीडिंग्स हमारी कंप्लीट हुई, तीसरी भी आपको ऐसे लेनी है, आप वेट को बढ़ाओ या डिस्टेंस को चेंज करो, चौथी भी ऐसे लेनी है वेट को बढ़ाओ, तो एटलीस्ट आपको इस प्रैक्टिकल में 2 से 3 रीडिंग लेनी है जो आपको मैं आगे वीडियो में मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा हमने 2 रीडिंग ली है, तो आगे हम इस वीडियो में इन रीडिंग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे और प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर हमें क्या क्या लिखना है इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर क्या लिखोगे, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो एम क्या है, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई यूजिंग इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर। फिर आप ऑपरेटर्स लिखोगे, ऑपरेटर्स आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा क्या क्या लिखना है, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर, फ्रिक्शनलेस पुली, स्ट्रिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ए लाइट वेट पैन,
ए वेट बॉक्स, ए बैलेंस एंड ए मीटर रॉड, जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही दिखा दिया है। फिर आप नोटबुक के ऊपर डायग्राम बनाओगे, तो डायग्राम देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें सोलेनाइड है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये स्ट्रिंज है, ये हमारी फ्रिक्शनलेस पुली है, ये पैन है जिसके बीच में इसने वेट लगा के रखा है, और ये एसी मेन सप्लाई है, ये पूरा सर्किट इसने कंप्लीट किया हुआ है। फिर आप नोटबुक के ऊपर क्या लिखोगे, थ्योरी, तो आपको वीडियो में थ्योरी दिखाई दे रही होगी, और थ्योरी आपको मैंने पहले ही समझा दी है वीडियो में, तो आपको ये डायरेक्ट नोटबुक के ऊपर लिखनी है। आगे प्रोसीजर, प्रोसीजर भी जैसे जैसे ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, तो आपको नोटबुक के ऊपर ये भी लिखना है। आगे ऑब्जर्वेशन टेबल, देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया था, जो वेट ऑफ पैन है वो किसके बराबर है, 19.33 ग्राम। तो जो मेरे पास पैन था, जो मेरी लैब में पैन था, उसका वेट 19.33 ग्राम है। जो आपकी लैब में पैन हो सकता है उसका वेट कुछ और हो सकता है, आपको वो मेजर करना है। फिर मैंने मास ऑफ 200 सेंटीमीटर स्ट्रेंथ किसके बराबर थी, 0.346 ग्राम। ये जो मास ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रिंज है, ये जो मेरे लैब में स्ट्रिंज अवेलेबल थी, ये उसका मास है। आपकी लैब में जो स्ट्रिंज अवेलेबल होगी उसका मास कुछ और हो सकता है। फिर आप क्या लिखोगे, मास पर यूनिट लेंथ, वो किसके बराबर है, 0.0017 ग्राम। ये कहाँ से आया, हमने 0.346 को डिवाइड किया 200 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 0.0017 ग्राम। आगे सबसे पहले हम पहली रीडिंग को समझेंगे। देखिए आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में दिखाई दे रहा होगा, जो सीरियल नंबर 1 इसमें जो पहली रीडिंग है, उसमें जो हमने वेट लिया था पैन में वो 0 ग्राम था, और हमारे नंबर ऑफ लूप्स कितने बन रहे थे, 2 लूप बन रहे थे, और दो लूप के बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था, 71 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन द ईच लूप किसके बराबर था, 35.5 सेंटीमीटर। फिर हम टेंशन निकालेंगे। देखिए हो क्या रहा है इस प्रैक्टिकल में, हमने थ्रेड का यूज़ किया हुआ है, तो जब भी हम थ्रेड का यूज़ करते हैं तो थ्रेड में फोर्स एग्जिस्ट करती है, जिस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन, और टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स दैट एग्जर्टेड बाय द थ्रेड। देखिए आई होप टेंशन क्या होता है आपको ये समझ आया होगा, तो मैं आपको ये टेंशन यहाँ पे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे ये थ्रेड दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे थ्रेड में एक एंड यहाँ पे फिक्स है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने वेट लगा के रखा हुआ है। तो ये इस जब भी हम किसी वेट को किसी थ्रेड के साथ बांधेंगे तो इस थ्रेड में एक फोर्स एग्जिट करेगी जिसे हम टेंशन कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड द फिक्स एंड होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन फोर्स, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द mg, एंड t इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं तभी ये पैन यहाँ पे स्टेबल है, तभी ये यहाँ पे रह सकता है, अदरवाइज ये धागा टूट जाएगा और पैन नीचे गिर जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टेंशन फोर्स कैसे एग्जिट करती है थ्रेड के अंदर और क्या इसका रोल है। आगे हम इसकी वैल्यू कैसे लेंगे इसे समझने की कोशिश करते हैं। टेंशन की वैल्यू बराबर होगी m1 प्लस m2 ब्रैकेट g, g इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पहली रीडिंग में जो हमने वेट लिया था पैन के अंदर वो कितना था, 0 ग्राम, और वेट ऑफ द पैन किसके बराबर था, 19.33 ग्राम। तो जब हमने इसे कैलकुलेट किया था हमारा रिजल्ट आया दिस वन, फिर हमने ये वैल्यू यहाँ पे इंप्लीमेंटेड की, 1/2L की वैल्यू कितनी है, 35.5 सेंटीमीटर, टी की वैल्यू यहाँ से आ गई, टेंशन की वैल्यू और म्यू की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है वो कितनी है, 0.0017 ग्राम पर सेंटीमीटर। जब हमने ये वैल्यू यहाँ पे इंप्लीमेंटेड की तो हमारा रिजल्ट आया 46.73 हर्ट्ज। ऐसे ही हमने सेकंड रीडिंग ली थी जिसमें हमने वेट कितना डाला था, 10 ग्राम, और हमारा लूप, दो लूप्स के कितने लूप्स बन रहे थे, ऐसे तो 4 लूप्स बन रहे थे, लेकिन जो हमें सही तरीके से लूप दिखाई दे रहे थे वो कितने थे, 2 लूप्स, और उन दो लूप्स के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 89 सेंटीमीटर। तो एक लूप की लेंथ कितनी है, 44.5 सेंटीमीटर। फिर हमने टेंशन की वैल्यू यहाँ से निकाली और ये वैल्यू, टेंशन की वैल्यू, म्यू की वैल्यू और एल की वैल्यू यहाँ पे इंप्लीमेंटेड की तो हमारा रिजल्ट आया 45.23 हर्ट्ज। आगे हम इन दोनों रिजल्ट्स का मीन निकालेंगे जिसे मैंने कैलकुलेट पहले ही करके रखा हुआ है, और फिर हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। परसेंटेज एरर किसके बराबर होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा परसेंटेज एरर कितना आया, 8.04%। तो अगर हमारा प्रैक्टिकल में रीडिंग्स प्लस माइनस 10% के अंदर आता है अगर हमारा एरर, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो रीडिंग्स कैलकुलेशंस आई हैं वो सही हैं। तो आई होप
इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर वाला प्रैक्टिकल जो हमें मदद करता है एसी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने में आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।